हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र। आपको बता दें, इस चर्चा में अभी रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान में के मुताबिक कश्मीर मसले का हल निकालने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मध्यस्थता की पेशकश की थी। जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया, उसी के कारण ये चर्चा में रहा है अभी। आपको बता दें, इसका जो अमेरिकी राष्ट्रपति की हालिया बयान रहा है, इसका भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दावे को खारिज कर दिया था। और उन्होंने दूसरी बात कही थी कि शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र का जिक्र भी किया है। ठीक है, तो इसे जानना जरूरी है। तो शिमला समझौता क्या था, इसे देख लेते हैं पहले। आपको बता दें, शिमला शिखर वार्ता हुई थी भारतीय पीएम इंदिरा गांधी और भारत पाक की प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो के मध्य। वो आपको बता दें, 28 जून से 1 जुलाई 1972 के बीच हुई थी। ठीक, इसमें मुद्दे कौन कौन से थे वार्ता में, वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें रहा था शिमला शिखर वार्ता में मुद्दे शामिल थे बांग्लादेश को मान्यता देना, भारत पाकिस्तान के राजनयिक संबंध, व्यापार, कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित करना, युद्धबंदियों की रिहाई इसमें शामिल थे। तो ये मुद्दे शामिल रहे। समझौता पर हस्ताक्षर करता थे भारतीय पीएम वही इंदिरा गांधी और पाकिस्तान प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो। और ये हस्ताक्षर किए थे इनने 2 जुलाई 1972 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें समझौते में भारत पाक के बीच बेहतर पड़ोसी संबंधों होते हुए एक व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इस समझौते में जो जो बिंदु ए बिंदु शामिल किए गए थे, मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग। दोनों देशों में लागू संविधान के अनुसार मंजूर किया जाएगा ये समझौता जो हुआ था। दोनों देशों के बीच के विवादों में किसी भी अन्य देश की मध्यस्थता नहीं होगी स्वीकार इस समझौते जो होते के तहत। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से चलेंगे दोनों देशों के बीच संबंध। भारत द्वारा बंदी बनाए गए पाकिस्तानी के सैनिकों को किया जाएगा रिहा, पाकिस्तान की जमीन लौटा दी जाएगी। भारत द्वारा हासिल किए गए कश्मीर के सामरिक स्थलों पर होगा भारत का आधिपत्य। ठीक, शिमला समझौते में और बिंदु शामिल थे जो दोनों देशों एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, संप्रभुता का सम्मान बराबरी के आधार पर करेंगे। संचार, डाक, तार, समुद्र और जमीन के जरिए संपर्क बहाल करने हेतु उठाए जाएंगे कदम इसके तहत। विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान को किया जाएगा प्रोत्साहित। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपनी तरफ तक वापस चली जाएंगी। ठीक है, आपको बता दें कि ये शिमला समझौते में मुख्य बिंदु शामिल थे। अब दूसरी बात करते हैं लाहौर घोषणा की। तो इस पे हस्ताक्षर, लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर करता थे अटल बिहारी वाजपेयी और मोहम्मद नवाज शरीफ। 21 फरवरी 1999 में एक समझौता किया गया। तो इसमें अपने देशों के बीच शांति, स्थिरता व अपने लोगों के लिए प्रगति, समृद्धि के साक्षा दृष्टिकोण को अपनाते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने किए थे हस्ताक्षर की। ठीक है, इसमें संवाद करने, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दखल ना देने की ली गई थी शपथ लाहौर घोषणा के तहत। परमाणु हथियारों के अनधिकृत या दुर्घटनावश उपयोग के खतरे को कम करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए व्यक्त की गई थी प्रतिबद्धता। परमाणु एवं अन्य परंपरागत क्षेत्रों में विश्वास बहाली, संघर्ष रोकने, आतंकवाद के सभी रूपों और कार्यों की निंदा की पुष्टि हेतु, सभी मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए व्यापक कदम उठाने पर भी किया गया था विचार विमर्श। तो ये लाहौर घोषणा के तहत किए गए थे। ठीक है,